नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं प्रियांशु सिंह, जो झारखंड के बोकारो से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने हाल में ही मिस्टर इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया है। प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस के स्टूडियो में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे फिर से इन्वाइट किया। प्रियांशु, जिस उम्र में आपने इतने बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए हैं, इस उम्र में युवा भटके हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहूँगा उन युवाओं को जो भटके हुए हैं, जो उनको सक्सेस के लिए उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है एक्चुअल में? सबसे पहले मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि उन्हें फोकस रहना है जिन चीज़ों में, जिन भी प्रोफेशन में उनका कॉन्सेंट्रेशन है, जिन में वो फोकस है, उन्हें वो करना है। और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनकी एडुकेशन, उनकी स्टडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी लाइन में जाते हो, एक्टिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई, डांस हो गई, या कोई भी अगर आप प्रोफेशन चूज़ करते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूछे जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको सबसे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, स्टडीज़, आप कितने तक पढ़े हो, आपकी क्या क्या डिग्रीज हैं, तो ये होनी चाहिए। अब प्रियांशु, जिस तरह से लंबे समय से लॉकडाउन जारी था, बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो पोस्टपोन कर दिए गए, तो अब अनलॉक के दौरान अब फिर से वो सारे इवेंट्स होंगे, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं एज अ शोस्टॉपर वॉक करने वाला हूँ। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई से आया कुछ कोलैबोरेशंस करके, और मेरे कुछ महीनों में मेरे एक वेब सीरीज़ की भी शुरू होने वाली है। सो ये मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह से जो मॉडलिंग लाइन काफ़ी ग्लैमर लाइन है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस लाइन में आने के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, टाइटल पाने के लिए फिक्सिंग करनी पड़ती है, पैसे का मिसयूज होता है, तो क्या कुछ आपके इस सफ़र में इस दौरान कुछ ऐसा कुछ घटना घटी? नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, बट अगर आपको इस लाइन में सक्सेस पाना है, और सबसे पहले आपको फ्रॉड से दूर रहना पड़ेगा। अगर किसी कोई भी इंसान आपके पास आता है, वो बोलता है आपको मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली या मिस्टर मुंबई बना देगा, या आपको मिस इंडिया में वो पार्टिसिपेट करा देगा, आपके मिस्टर इंडिया के ऑडिशंस क्रैक करवा देगा, तो आपको सबसे पहले उन दोनों से दूर रहना है। वो लोग आपको बोलेंगे आप मुझे 1 लाख दे दो, 70,000 दे दो, 2 लाख रुपये दे दो, मैं आपको मिस्टर इंडिया का ग्रैंड फाइनल में पहुँचा दूँगा या ऑडिशन क्रैक करवा दूँगा। तो आपको डायरेक्ट उन्हें बोलना है नो, उन्हें नो बोलना है डायरेक्ट, उन्हें बोलना है ख़त्म करके, उन्हें मतलब उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो आपके करियर को भी आगे कुछ कर सकते हैं। तो उन्हें बोलना है नहीं, अगर मुझे देना होगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, और इनसे आपको दूर चले जाना है। क्योंकि अगर कोई भी अगर आपको टाइटल देगा या पार्टिसिपेट आप करोगे, तो उसकी नॉर्मल से ग्रूमिंग फ़ीस होती है, जो नॉर्मल से होती है, जो आपके 5-10,000 से शुरू होती है और 30-40,000 में जाती है, तो वो एक आपकी ग्रूमिंग फ़ीस होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके अलावा किसी भी आपसे कोई कुछ मांगता है, तो वो प्रॉब्लम। आप युवा हैं, युवा होने के नाते जिस तरह से आप हाल में आजकल देख रहे हो कि भी हाल में एक खबर आई थी कि टिकटॉक का एक टिकटॉक स्टार था, उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी जैसे लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या करी है, तो उसको लेकर के क्या आजकल युवा हैं वो आत्महत्या की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं? कुछ छोटा सा कुछ डिप्रेशन हुआ तो आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा सुसाइड नहीं होता है। आप उस चीज़ को छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप सुसाइड कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ बहुत सी चीज़ें, जैसे मॉडलिंग में लाइन में होते हैं कि अगर वो टाइटल नहीं जीत पाया तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिस्टर इंडिया ही बनना है, मिस्टर मुंबई ही बनना है, या मिस्टर दिल्ली बनना है, मिस्टर झारखंड ही बनना है, इसके अलावा भी आपके बहुत से प्रोफेशन हैं जिसमें आप सक्सेस पा सकते हो। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो, तब आप पार्टिसिपेट करो, एजेंसीज बहुत सी है। अगर आप नहीं हो रहे हो, तो आप बहुत सी एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे अगर आप मेडिकल भी कर सकते हो, आप यूपीएससी भी कर सकते हो। सो आपको एक भी चीज़ में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखना है। क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी हाल में टिकटॉक था, हालांकि वो बैन हो गया है, लेकिन ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर लोग अपने वीडियो डालते हैं, अच्छे मिलियन में व्यू आते हैं, तो क्या लगता है कि जो वैसे नॉर्मल फिजिकली जा करके हम कंपटीशन करते हैं, उसके मुकाबले ये प्लेटफॉर्म काफ़ी इजी है सक्सेस पाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी भी ऐप के थ्रू आप सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि जैसे लोग सोचते हैं टिकटॉक है, टिकटॉक इन लोगों को मतलब नॉर्मल इंसान को एक सेलिब्रिटी बनाता है, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया, फिर अब क्या करें? अब लोग इंस्टा रील्स पर जा रहे हैं, और कुछ कहीं ना कहीं बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, एजेंसीज हो गए, म्यूज़िक कंपोजर्स हो गए, वो ये लोग को प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग मतलब लोग का
प्रोफाइल जो होता है कि उन्होंने पहले क्या काम किया हुआ है, उस लोग उस चीज़ों पे उन लोग को जज नहीं कर रहे, वो लोग जज करते हैं कि इसके सोशल मीडिया में कितने व्यूज आते हैं, कितने इसके फॉलोअर्स हैं, कितने इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। क्योंकि उन्हें अगर वो कोई कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनको अपना प्रोजेक्ट को हिट करवाना है। अगर वो कोई वेब सीरीज कर रहे हैं, कोई सीरियल कर रहे हैं, कोई एल्बम सॉन्ग कर रहे हैं, तो वो इंसान को ऐसे नहीं जज करते कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया या मतलब उनके मतलब क्या, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म, ये सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सक्सेस पाने का एक आसान तरीका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आसान तरीका, क्योंकि इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऐप है वो आज है या कल बैन हो सकता है। तो अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको मेन आपका रहेगा मोटिव कि अगर आप अच्छा काम करो आप, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसकी स्ट्रगल लाइफ होती है, क्योंकि सारे एक्टर्स हैं वो 2 साल 3 साल बहुत 10-10 साल लोग स्ट्रगल किए हैं, उसके बाद वो बड़े पर्दे में आए, मूवीज़ में आए, सो स्ट्रगल करना है। जी आखिर में चलते चलते एक सवाल ये रहेगा कि आप इस चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं इस चैनल के माध्यम से युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको फोकस रहना है अपने गोल्स की तरफ, आपको हार्डवर्क करना है, और आपको पहले अपने आप में देखना है कि मुझे किस भी लाइन में मैं फोकस हूँ। डांस हो गए, मॉडलिंग हो गया, या कोई गेम्स हो गया, या स्टडीज़ में आपकी कौन सी डिग्री के पीछे, अगर जैसे मेडिकल हो गया, UPSC हो गया, सो आपको फोकस रहना है। और आपको सबसे पहले आपको ड्रग्स से दूर रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, अपने सिबलिंग्स से बात करिए, और सब चीज़ का एक आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रग्स नहीं होता या फिर सुसाइड नहीं होता। और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करिए बस। ये थे हमारे साथ प्रियांशु सिंह, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के लिए खास मैसेज दिया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि युवा नशे से दूर रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, और ऐसे किसी भी स्थिति में आत्महत्या जैसे करने की कोशिश ना करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर है।